दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन की लोकेशन को चेंज करना चाहते हो या आप चाहते हो कि जिस लोकेशन पे आप हो उसकी लोकेशन ना शो करके अपने डिज़ायर्ड यानी कि जो आपने मन में सोची हुई है वो लोकेशन आप अपने स्मार्टफोन में शो करवाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपको कम्प्लीटली देखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप घर पर बैठे बैठे या एक जगह पर खड़े होकर किसी और कंट्री, किसी और स्टेट या किसी और डिस्ट्रिक्ट की जो लोकेशन है वो अपने स्मार्टफोन में सेट कर सकते हो। तो ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये चीज़ पॉसिबल कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलती रहेगी। इस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों iMove Go और ये जो सॉफ्टवेयर है आपको अपने विंडोज़ या मैक डिवाइसेस में इंस्टॉल करने का ऑप्शन डेफिनेटली देता है। अब इस डिवाइस को मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है और यूज़ किया है तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इसका UI मुझे लगा है और काफ़ी अच्छी जो फैसिलिटी है हमें चेंज करने की दे देता है अगर आपने लोकेशन चेंज करनी हो। सबसे पहले अगर हम इसके वेबसाइट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्पूफ GPS लोकेशन टू एनी प्लेस ऑन iOS एंड्रॉयड, जैसा कि ये नाम से ही बता रहा है, वो ढेर सारे इसमें फीचर्स हैं। आपको किसी भी तरह के फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, आईफोन को जेल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एज अ सॉफ्टवेयर ही यहाँ पर काम करने वाला है। आईपैड, आईफोन, आईपॉड, एंड्रॉयड डिवाइसेस, मैक डिवाइसेस सभी के लिए ये डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्टेड रहने वाला है। अब दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि ये बहुत सारी ऐप्स को सपोर्ट करता है, लाइक जो फेमस ऐप्स हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेसबुक होगी, पोकेमोन गो होगी, फाइंड माई डिवाइस होगी, क्रोम होगी, टेलीग्राम, इस तरह की टिंडर, ग्राइंडर, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उन पर आप जो लोकेशन है उसको स्पूफ कर सकते हैं, यानी कि एक जगह पे रह के किसी और जगह की जो लोकेशन है उसको डेफिनेटली डाल सकते हो। इसके साथ ही तीन ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है टू स्पॉट मोड, तो इसमें ये होगा कि आप एक जगह पे खड़े रहकर कहीं और जगह की लोकेशन को सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद है मल्टी स्पॉट मोड, यानी कि एक जगह पे रह के अलग अलग जगह के डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है GPX रूट, तो इसमें ये होगा कि आप GPX फाइल को इंस्टॉल करके जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मुझे लगता है कि पहले जो दो ऑप्शंस हैं वो आपके डेफिनेटली यहाँ पर काम आने वाले हैं। अगर जो आपका सिस्टम है वहीं से ये चीज़ कंट्रोल होगी, यानी कि जो आपका लैपटॉप है तो वहाँ पर आपको जोस्टिक जो होगी उसकी कर्सर जो होगा वहीं से आप वन क्लिक में मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चलकर दिखाने ही वाला हूँ। और ढेर सारी जो चीज़ें हैं हमें इस सॉफ्टवेयर के साथ देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइसेस में इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले मैं एंड्रॉयड में बताऊंगा और जो iOS का स्टेप्स होंगे वो भी मैं लास्टली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे ही आप इसका जो विंडोज़ वाला सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन पे आ जाना है और एप्लीकेशन पे जैसे ही आप आओगे तो ये आपको बताएगा प्लीज़ कनेक्ट यूर iOS और एंड्रॉयड डिवाइस टू द PC। तो इसके लिए आपको केबल लेनी है और अपना जो स्मार्टफोन है वो इससे कनेक्ट कर देना है केबल के साथ। जैसे ही आप अपने लैपटॉप में वूटेकी iMove Go जो ऐप है उसके इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये करना है कि इसको सिंपली ओपन करना है और जो आपका डिवाइस है उसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में जाइए और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको USB डीबगिंग वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल कर देना होगा। जैसे आप USB डीबगिंग वाला ऑप्शन इनेबल कर देते हो तो उसके बाद ये कनेक्शन को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि कनेक्ट करना शुरू कर देगा और आपके स्मार्टफोन में एक की आएगी यानी कि अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको अलाउ कर देना है तभी जो ये डेटा है उसको पास कर पाएगा आपके स्मार्टफोन के लिए। तो ध्यान रहे, और कुछ परमिशंस भी हैं जो कि आपको देनी पड़ेंगी तभी ये आप एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद लोडिंग के बाद आपका डिवाइस जो है इसके साथ डेफिनेटली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर सिंपली सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लाइक यहाँ पर मैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी करंट लोकेशन है वो है मोहाली की, जैसे कि आप देख सकते हैं मोहाली लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा किसी और दूसरी लोकेशन में करके और उसमें रिफ्रेश करने के बाद दिखाऊंगा कि कहाँ की लोकेशन ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर वूटेकी iMove Go पे मैं आके वडोदरा डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर वडोदरा डाला है, वडोदरा को सिलेक्ट किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने स्मार्टफोन में गया थोड़े टाइम के बाद और इसने अपडेट किया और जो लोकेशन है वो मेरी करंट लोकेशन वडोदरा की दोस्तों आ गई है। मतलब आप देखिए कहीं की भी लोकेशन डालिए आ जाएगी, मैं मोहाली में बैठा हूँ लेकिन मैंने वडोदरा की लोकेशन डाली है गुजरात की, तो वो यहाँ पर आ गई है। अब मैं आपको जियो, यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाता हूँ, जियो मार्ट की एक नोटिफिकेशन आई है, इनको ही कर देते हैं सेंड, तो इनको मैंने करंट लोकेशन सेंड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो करंट लोकेशन है वो भी वडोदरा के किसी एक प्लेस की आ गई है। तो हाँ,
डेफिनेटली आप कम्प्लीटली देख ही सकते हैं कि ये एक क्लिक में जो आपकी लोकेशन है उसको डेफिनेटली चेंज कर ही देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ ही जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे, यानी कि जंप टेलीपोर्ट मोड है, या जो टू स्पोर्ट मोड है, या इसके साथ ही जो मल्टी स्पोर्ट मोड है, या जो GPX जोस्टिक वगैरह वाले ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप डिफरेंट मतलब लोकेशंस को सेट कर सकते हो, डिफरेंट डेस्टिनेशन पॉइंट्स डेफिनेटली यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके गेमिंग सेक्शन की। तो गेमिंग सेक्शन थोड़ा सा इंस्टॉलिंग के लिए टाइम लगाता है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद जो कुछ गेम्स होंगी, लाइक पोकेमोन गो गेम यहाँ पर मेरे स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली इसने इंस्टॉल कर ली हुई है। तो जैसे पोकेमोन गेम इंस्टॉल हुई तो इसमें ये होगा कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी पोकेमोन में। इसमें आप लोकेशन को स्पूफ कर दीजिए और वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ आपके जो पोकेमोन गो गेम है उसमें भी डेफिनेटली लगा देगी। तो मतलब कितनी अच्छी बात है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये चीज़ हमें काम करती हुई देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। जो इसका लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप जरूर इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद iOS में भी करने के लिए आपको सेम ही प्रोसेस से गुजरना होगा। सेम मैकबुक के लिए जो iOS के लिए दूसरा ऑप्शन मिलता है उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए, सेम इस तरह से ओपन कीजिए। एप्पल में भी आपको यहाँ पर एक जो सेटिंग है ओपन करनी पड़ती है, लाइक जिस तरह हमने डिबगिंग का ऑप्शन किया, तो एप्पल में आपको अनलॉक योर डिवाइस एंड ट्रस्ट दिस कनेक्शन का ऑप्शन आता है, तो ट्रस्ट दिस कंप्यूटर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ट्रस्ट कर देना है और अपना पासवर्ड वगैरह डालना है, फिर आपका जो स्मार्टफोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सेम टेलीपोर्ट कर सकते हो और जो लोकेशन है उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, और कुछ इस तरह से ही अपने आईफोन में भी या जो आपके एप्पल डिवाइसेज हैं उनमें भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसा आपको ये वीडियो लगा, क्या आप यूज़ करोगे या नहीं करोगे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर जरूर वूटेकी के प्रोडक्ट चेकआउट कीजिए, बिकॉज यही नहीं ढेर सारे प्रोडक्ट वूटेकी की तरफ से हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ऑनलाइन ही आपके स्मार्टफोन्स को रिपेयर कर देते हैं। लाइक अगर आपके स्मार्टफोन में लॉक लग गया है, आपके आईफोन के जो स्क्रीन लॉक है वो खुल नहीं रहा है, आप अपने iCloud का पासवर्ड वगैरह भूल गए, तो हर एक चीज़ का जो ऑप्शंस हैं वो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ पर जाकर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं।